अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र में आईएसआईएस के खिलाफ एनआईए ने बड़ा एक्शन, 44 जगह पर हुई छापेमारी। एनआईए ने जिन 44 जगह पर छापेमारी की उनमें से कर्नाटक में 1, पुणे में 2, थाने के ग्रामीण में 31, थाने शहर में 9 और भाईंदर में 1 ठिकाना है। और थाने की बात करें तो थाने में पड़गा बोरेली समेत भिवंडी के 3 जगह पे छापेमारी हुई, जिनमें से 3 बत्ती निजामपुरा और शांतिनगर शामिल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शनिवार की सुबह देश भर में 40 से भी ज्यादा जगहों पर छापेमारी शुरू की। जानकारी के मुताबिक एजेंसी ने महाराष्ट्र में थाने पुणे से लेकर मीरा भाईंदर तक कई ठिकानों पर रेड की। वही कर्नाटक में भी एजेंसी ने कई जगहों पर सुबह सुबह छापेमारी की है। और आपको बता दें कि अब तक के पड़गा बोरेली से शाकिब नाशन और महाराष्ट्र से कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने जिस केस में छापेमारी की है वो आईएसआईएस की विचारधारा फैलाने से जुड़ा है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही एजेंसी ने एक आरोपी और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया था, जिस पर इस्लामिक संगठन की कट्टर विचारधारा फैलाने का और भारत में आतंकी संगठन बनाने का आरोप था। इस संगठन ने भारत में इस्लामिक शासन के मकसद के साथ कई युवा की भर्ती भी की थी। दोस्तों हमारे साथ इसी बने रहे, इसके आगे के अपडेट्स हम आपको जरूर देंगे। मैं फिरोज मेहमान, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।